So second part of this example is, first अभी हमने solve किया 15 square plus 8 square whole to the power 3, ठीक है? 15 का square plus 8 का square एक cap के अंदर है, this is known as square root. अब आप इसको step by step solve करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंदर का वैल्यू सॉल्व करेंगे, राइट? 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, मींस 15 इनटू 15, तो आप करके देखिए, देन 8 स्क्वायर मींस 64, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखिए. नाउ अभी हमने ये जो कैप है स्क्वायर रूट की उसे सॉल्व नहीं किया, 225 प्लस 64 will give you 289 whole to the power 3, ठीक है? अब देखिए, square root of 289, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि ये किसका square root होता है, but in case आपको याद नहीं है, so I told you there are two ways, either you can use long division method or you can use prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको 3 से 5 से 7 से 9 से 11 से ट्राई करते जाएंगे, फाइनली इट विल सॉल्व बाय 17 ओनली एंड इट विल गिव यू 17 × 17, ठीक है? तो टफ हो जाएगा, बेटर है लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉन्ग डिवीजन नाम से लॉन्ग होती है बट इट्स वेरी इजी मेथड. पीरियड बना दिया हमने, 1 × 1 = 1, 2 में से 1 सबट्रैक्ट हुआ तो हमें 1 मिला, 89 मींस एक पेयर हमने कॉपी किया, जो नंबर से डिवाइड देते हैं वो इमीडिएटली हम यहाँ पर ऐड करते हैं, हम 7 से देंगे, 7 जा दिया हमने, 189 सब्ट्रैक्ट हुआ, रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी उसका स्क्वायर रूट फाइंड होगा. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से थोड़ा सा टफ लग सकता है, तो बेटर है यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो नाउ वी हैड स्क्वायर रूट ऑफ 289, सो आई कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू ऑफ 289, ठीक है? टू द पावर 3 मींस अब हमें 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बिकॉज इट्स अ क्यूब. 17 को हम 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल गिव यू आंसर 4193, ठीक है? इसी क्वेश्चन को यहाँ पर दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे, हम एक बार उसे भी देखेंगे. हमारे पास फाइनली आ गया था 289 होल टू द पावर 3. ये जस्ट अनदर वे है ना, जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें. हमने फैक्टराइज करके देख लिया 289 को, आई कैन राइट 17 × 17, स्क्वायर रूट है ये, ध्यान दीजिए. स्क्वायर रूट को हम ओपन करेंगे, सबसे पहले हम इंटरनल सॉल्व कर लेते हैं. क्या मैं इसे 17 स्क्वायर लिख सकती हूँ? यस, बिकॉज दिस इज मल्टीप्लाइंग बाय ट्वाइस. स्क्वायर रूट को जब भी हम ओपन करते हैं तो इट इज इक्वल टू पावर हाफ, राइट? नाउ पावर टू द पावर, सो पावर विल बी मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल इट इज 17³, मीन जो भी आपका आंसर आया 4913, ठीक है? पावर्स की अगर प्रैक्टिस हो तभी आप इसे अप्लाई करने की कोशिश करें, अदरवाइज तो आप 289 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लें लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू और फिर जो भी आगे फर्दर स्टेप्स हैं वो सॉल्व करें. मुझे यहाँ पर आपको पावर का प्रैक्टिस कराना था इसलिए मैंने इसे इस तरीके से भी सॉल्व करके बताया, ठीक है? कि 289 को हमने ब्रेक कर लिया, ये स्क्वायर रूट है तो ऑलवेज इट इज ओपन एज ए रेस टू द पावर हाफ, इसलिए मैंने आपको पहले बता भी दिया था. नाउ पावर टू द पावर तो वो मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई होके वो कैंसिल हो गई एंड फाइनली वी हैव 17³ और हमने उस 17³ को सॉल्व किया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, इनके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी. नाउ व्हाट हैपन इफ आई विल डबल द नंबर, जैसे अभी हमने क्यूब सॉल्व किया, लाइक आई वॉन्ट टू फाइंड द एक्स क्यूब, तो हम क्या करते हैं एक्स को ट्रिपलेट्स में के फॉर्म में लिखते हैं, x × x × x, या आई वॉन्ट टू द फाइंड ऑफ क्यूब ऑफ 2, तो हम क्या करते हैं 2 × 2 × 2,
राइट। अब मैं नंबर डबल कर दूं तब क्या होगा? सबसे पहले तो व्हाट आई सेड, लाइक आई वांट टू फाइंड द क्यूब ऑफ 2, तो हम क्या करते हैं, 2 का क्यूब फाइंड करने के 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली 4 का करना है तो हम 4 × 4 × 4 ट्रिपलेट कर देते हैं। x का क्यूब है तो हम x × x × x कर देते हैं। बट नाउ आई वॉन्ट टू द डबल ऑफ द नंबर, जो भी नंबर है उसका हम डबल कर दें तब क्या होगा? सो माई नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूव दैट इफ अ नंबर इज डबल्ड then its cube is 8 times the cube of the given number. Very very important and different kind of question. ठीक है, बहुत simple तरीके से इसे हम solve करेंगे। लाइक एक्स का क्यूब मीन्स x × x × x, नाउ आई वॉन्ट टू डबल द नंबर मीन्स एक्स जो है, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज a ले लिया, मीन्स 4 था, 5 था, 6 था, जो भी था, तो हम क्या कर रहे थे, 4 × 4 × 4, 5 × 5 × 5 मीन्स अगर x जो a था तो हम a × a × a करेंगे। ठीक है, अब हमने इस a को डबल कर दिया। Now my x is double of a. Double means दो गुना, ठीक है, twice. अब हमारा x क्या हो गया, twice × a. अब हम क्या करते थे, x का क्यूब फाइंड करना था तो we were solving like this. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2a × 2a × 2a, right? नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स, तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8 एंड a × a × a विल गिव यू a क्यूब। सो व्हाट दे हैव आस्क्ड, नाउ विल चेक प्रूव दैट इफ अ नंबर इज डबल, तो हमने डबल कर दिया। अगर हमारा नंबर a था तो हमने उसे 2a कर दिया, नंबर के फॉर्म में ले लें। अगर हमारा नंबर 10 था तो उसे हमने 20 कर दिया, अगर नंबर हमारा 6 था तो हमने उसे 12 कर दिया। अभी हम न्यूमरिक भी लेंगे, ठीक है। नंबर को हमने डबल किया और उसका क्यूब फाइंड किया तो हमें क्या मिला, 8 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो वही उन्होंने कहा था, चेक करिए कि इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स, तो देखिए 8 आया, टू द 8 टाइम्स एंड द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, तो जो भी हमने नंबर लिया उसका क्यूब भी आया। इसी क्वेश्चन को हम जस्टिफाई करने के लिए नंबर ले लेते, लेट से x वॉज अ 10, नाउ आई वॉन्ट द डबल, सो नाउ माई एक्स इज आफ्टर डबलिंग 20, बिकॉज द डबल ऑफ 10 इज 20। अर्लियर द क्यूब ऑफ x वॉज 10 × 10 × 10 मीन्स 1000। अब ध्यान से देखिए, नाउ x क्यूब आफ्टर डबल क्या हो जाएगा, 20 × 20 × 20, 2 × 4 × 8 मीन्स 8000। 8000 को हम लिख सकते हैं 8 × 1000 एंड 8 × 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब। तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि द आफ्टर डबलिंग इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड ट्रिकी क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़रूर आ सकता है कि हम जो भी नंबर लेते हैं अगर उसका हम डबल कर दें तो क्यूब क्या होगा, अगर हम ट्रिपल कर दें तो उसका क्यूब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम 4 टाइम्स कर दें तो उसके क्यूब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें करके प्रैक्टिस से ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस वॉज वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हूज सरफेस इज, सरफेस एरिया इज
150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तभी आपको इमीडिएटली क्लिक होना था, सिंबॉलिक फॉर्म में तो हमने क्यूब पढ़ा, बट ज्योमेट्रिकल शेप्स अगर हम रिकॉल करें तो देयर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट शेप, थ्री डायमेंशनल शेप विच इज नोन एज क्यूब एंड अनदर इज क्यूबॉइड। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो क्यूब की कर रहे हैं, और क्यूब जो फॉर्म होता था वो स्क्वायर शेप से फॉर्म होता था। मीन्स क्यूब के लिए हमारा जो बेस स्ट्रक्चर है वो क्या होता था, स्क्वायर। हम स्क्वायर स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर ऐसे एक अगर हीप बनाते हैं तो हमें क्यूब फाइंड मिलता था, फिर हम उसका वॉल्यूम निकालते थे, सरफेस एरिया जो भी क्वेश्चन रहता था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 150 मीटर स्क्वायर, तो सबसे पहले तो जो गिवन है हम वो लिखेंगे 150 मीटर स्क्वायर। मीन्स ये जो क्यूब है, ये जो एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है दैट इज 150 मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पर साइड नहीं है, एंड वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको इस क्यूब की साइड फाइंड करना होगी, ठीक है। और साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को ही यूज करेंगे। सरफेस एरिया दिया है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6x स्क्वायर, जो हमें गिवन है 150 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम x स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, इसको न्यूमरिक कर देते हैं हम, 6x स्क्वायर इक्वल टू 150, सो x स्क्वायर इक्वल टू 150 अपॉन 6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टू 12, 6 5 30, सो नाउ आई हैव x स्क्वायर इक्वल टू 25, मीन्स x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, एंड द स्क्वायर रूट 25 इज ऑलवेज 5, सो नाउ योर साइड इज 5 मीटर, यूनिट आपका था मीटर में, सो योर आंसर विल बी इन मीटर ओनली। सो अब आपके पास साइड आ गई, ये जो क्यूब है इसकी जितनी साइड है वो 5 मीटर है। अब जब हमारे पास साइड आ गई तो आई कैन फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड, सो ए इंटू ए इंटू ए, यहाँ पर हमारा वेरिएबल x है जो 5 आ चुका है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और आपको यूनिट को ध्यान रखना पड़ेगा, वॉल्यूम जो है वो हमेशा क्यूब में आता है, ठीक है। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है दैट इज ऑलवेज इन मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी दिया है उसका क्यूब, और अगर एरिया है तो उसकी यूनिट काय में होती है, स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर से रिलेटेड है एंड वॉल्यूम जो है वो क्यूब से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बट हमें गिवन जो क्लू था दैट इज सरफेस एरिया। सबसे पहले हमें क्यूब का सरफेस एरिया पता होना चाहिए जो होता है 6x स्क्वायर, आप जो वेरिएबल लेना चाहिए वो ले सकते हैं, 6x स्क्वायर इक्वल टू 150, आफ्टर सॉल्विंग वी फाइंड द x, x आया हमारा 5 मीटर, मीन्स द साइड ऑफ द क्यूब इज 5 मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ साइड एंड नाउ वी हैव वॉल्यूम 125 मीटर क्यूब, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी एग्जाम्पल्स इट इज वेरी क्लियर दैट वॉट इज द क्यूब, क्यूब मीन्स 3 टाइम्स वही सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना। नाउ वॉट हैपन इफ वी हैव नेगेटिव इंटीजर्स, क्यूब ऑफ नेगेटिव, अभी तक हमने सारे पॉजिटिव लिए, ठीक है, अभी हमने जो भी लिया लाइक दिस इज आवर नंबर लाइन 0, 1, 2 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। सिमिलरली यहां पर भी तो नंबर होते हैं, राइट, 0 इज द ओरिजिन, राइट साइड के जितने नंबर होते हैं दे आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड लेफ्ट साइड के जो भी नंबर होते हैं दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ये तो हमें नंबर सिस्टम के थ्रू पता है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। अब क्या होगा अगर हम नेगेटिव नंबर लें और उनका क्यूब फाइंड करें, ठीक है, बिफोर फाइंडिंग द क्यूब पहले हम उनका स्क्वायर निकालते हैं, लाइक आई वॉन्ट टू सॉल्व द स्क्वायर ऑफ -1,
देन व्हाट आई विल डू, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर विल बी मल्टीप्लाई टू द नंबर, तो वन वन जा वन, साइन और साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस विल गिव यू प्लस। सो स्क्वेयर हम नेगेटिव का करते हैं तब भी वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। दो तीन और एग्जांपल लेके हम इसे प्रूफ करके देख लेते हैं। लाइक आई हैव माइनस एट स्क्वायर, सो व्हाट आई विल डू, माइनस एट इंटू माइनस एट, नंबर नंबर सॉल्व होगा 64, नेगेटिव नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव। मीन्स आप कोई भी नंबर लेके देखोगे और अगर आप उसका स्क्वायर निकालना चाहोगे सो इट विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, मतलब क्यों है, क्योंकि हम दो टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट नाउ आई विल टेक क्यूब ऑफ द माइनस वन, तो आपको डिफरेंस खुद क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स बिकॉज मुझे ट्रिपलेट करना होगा, ठीक है। नंबर का नंबर से, वन वन जा वन, वन जा वन, साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा, माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, एंड दैट प्लस एंड माइनस विल गिव यू माइनस, ठीक है। और कोई एग्जांपल लें, जैसे हमने स्क्वायर में लिया हम वही ले लेते हैं, माइनस एट इंटू माइनस एट इंटू माइनस एट। सबसे पहले हम एट को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लें, एट एट जा 64 इंटू एट, एट फोर जा 32, 86 जा 48 एंड 3 कैरी था तो 512, ठीक है। द क्यूब ऑफ 8 इज 512, सो हियर वी विल हैव द रिजल्ट 512। नाउ माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस, एंड दैट प्लस एंड माइनस विल गिव यू माइनस। सो द कंक्लूजन इज क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आप लिख सकते हैं क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी नेगेटिव, राइट। अब दूसरी प्रॉपर्टी और होती है, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर। अभी हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, Those who are divisible by 2, देखे क्या होगा, कोई भी इवन नंबर ले ले, इवन नंबर हमारे होते 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। फर्स्ट हम 2 ही ले लेते हैं, द क्यूब ऑफ 2, तो क्यूब ऑफ 2 क्या होगा, 2 into 2 into 2, आंसर विल बी 8, 8 इज अगेन अ इवन नंबर। और एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं, 10 into 10 into 10, 10 tens are 100, 10s are 1000, again it's a even number. Means if you take even number and you will find the cube of the even number, your answer will be even only. Objective type question में ये आएगा। So property क्या हुई, the cube of even number, every even number, मतलब जो भी आप लेंगे इज इवन। सिमिलर प्रॉपर्टी ऑड के लिए भी होना चाहिए। तो अब आप कोई ऑड नंबर ले लें। सबसे पहले ऑड नंबर्स क्या होते हैं, दोज हु आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। मीन्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है दे आर कॉल्ड ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी नंबर ले लें, लेट से आई एम टेकिंग 3, द क्यूब ऑफ 3 मीन्स 3 into 3 into 3, 3 threes are 9, 3s are 27, इट्स एन ऑड नंबर, रिजल्ट क्या आया, ऑड आया। कोई और ले लें, 5 ले लें, 5 into 5 into 5, 5 fives are 25, 5s are 125, अगेन इट्स एन ऑड नंबर। 1 भी आप देख लें, 1 into 1 into 1 means 1, 7 देख लें, 7 into 7 into 7, 7 sevens are 49, 49 sevens, आप सॉल्व करके देखें, 7 nines are 63, 6 कैरी गया 28 एंड 6 is 34।
तो 7 क्यूब इज अगेन ऑड नंबर. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड. थ्री प्रॉपर्टी अभी जस्ट हमने पढ़ी. फर्स्ट वॉज द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. पॉजिटिव की तो हमने पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव के केस में आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा. देन वी लर्न द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड सिमिलरली द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. राइट ना, अब अभी हमने पढ़ा इफ वी हैव पॉजिटिव इंटीजर, इफ वी हैव नेगेटिव और इफ वी हैव ऑड नंबर और इफ वी हैव इवन नंबर. Now, what happen if we will have rational number? सबसे पहले rational number क्या होता है? Those number who are in the form of numerator and denominator. Rational number पता होना चाहिए, तब हम rational number की property पढ़ेंगे. तो what are the rational number? Those numbers who are in the form of P अपॉन Q और इसको आप बोल सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और इनडायरेक्टली यू कैन से फ्रैक्शन. दोज नंबर्स हु आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q विल नेवर इक्वल टू जीरो. मीन्स ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, बट फ्रैक्शन कैसा हो, नीचे जो Q है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं हो. कोई भी नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो, माइनस 10 अपॉन 8 कुछ भी हो, बट ऐसा नहीं हो, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो इनडेफिनेट हो जाएगा या एब्सर्ड रिजल्ट देगा. ठीक है, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, लाइक इफ यू वांट टू टेक हाफ, आई वांट टू फाइंड द क्यूब, तो हाफ का क्यूब हमें निकालना है. इसके लिए हम एक पहले प्रॉपर्टी रिकॉल कर लें. इफ ए अपॉन बी टू द पावर एन हो, सो आई कैन इजीली राइट ए टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन. मीन्स ये पावर इसकी भी होगी एंड ये इसकी भी होगी, बिकॉज अभी ये एज ए होल है एंड नाउ इट इज एन इंडिविजुअल. कोई और एग्जांपल ले लें, लाइक एक्स बाय वाई टू द पावर 5 है, तो आई कैन राइट एक्स टू द पावर 5 एंड वाई टू द पावर 5. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हाफ का क्यूब, तो हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब. इसको हम लिख सकते हैं 1 into 1 into 1 अपॉन 2 into 2 into 2 एंड इट विल गिव यू रिजल्ट 1/8. इसी क्वेश्चन को आप ऐसा भी लिख सकते थे, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ एंड फाइनली रिजल्ट वही आएगा 2 into 2 into 2 एंड इट इज इक्वल टू 1/8. जैसा आप करना चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या अप्लाई हुई कि इफ एक्स अपॉन वाई टू द पावर समथिंग एन है, तो वी कैन राइट एक्स टू द पावर एन एंड वाई टू द पावर एन. राइट, तो ये रैशनल नंबर के लिए ये एप्लीकेशन हुआ. एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक आई हैव 3/5 टू द पावर 3. एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, 3/5 टू द पावर 3. सो आई कैन राइट 3 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 3 means 3 into 3 into 3 upon 5 into 5 into 5. 3 3s are 9, 3s are 27 upon 5 5s are 25, 5s are 125. इसी क्वेश्चन को आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, 3/5 3/5 3/5, बिकॉज क्यूब है, मीन्स इसे 3 times लिखना है ट्रिपलेट के फॉर्म में. और आप फिर इसे क्या करते, नंबर जो है नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता एंड फाइनली ये आंसर देता 125. दोनों का मतलब सेम है, जैसा आप करना चाहे वैसा कर सकते. सेकेंड है -2/3. एक हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया, तो अब हमने एक नेगेटिव रैशनल नंबर लिया, -2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब. इसको हम लिख सकते हैं -2 into -2 into -2
एंड सिमिलरली 3 × 3 × 3। अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब इज ऑलवेज नेगेटिव, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, सो 2 × 2 = 4 × 2 = 8, साइन विल बी मल्टीप्लाई विद द साइन, माइनस माइनस इज प्लस एंड दैट प्लस एंड माइनस इज माइनस, सो फाइनल इट इज -8। 3 × 3 = 9, 3 × 27, सो योर आंसर इज, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज में लग गई, रैशनल नंबर भी आ गया, नेगेटिव नंबर भी आ गया, क्यूब भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब ऑफ, छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन है, फॉलोइंग, फर्स्ट इज -7, सेकेंड इज 1/2/3, थर्ड इज 2.5 एंड फोर्थ इज 0.06। हम एक 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 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वी नीड टू फाइंड -7 क्यूब, ठीक है, मीन्स हमें -7 को 3 times मल्टीप्लाई करना है, एंड एज वी नो द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, सो योर आंसर विल बी इन नेगेटिव, एंड 7 का 3 times मल्टीप्लाई सॉल्व होके आता है -343 बिकॉज इट्स -7, बहुत सिंपल है, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड इज इन मिक्स न्यूमरल 1/2/3, मिक्स न्यूमरल सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, उसमें ये 2 ऐड होगा, मीन्स टू सॉल्व द मिक्स न्यूमरल इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन वी नीड टू डू दिस प्रोसीजर, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 2 ऐड होगा। सबसे पहले हमने इसे नंबर बनाया, 3 × 1 = 3 + 2 = 5/3। नाउ हमें क्या करना क्या था, 1/2/3 का क्यूब फाइंड करना था, सो हमें क्या करना था, 5/3 का क्यूब फाइंड करना था, ठीक है। 5/3 का क्यूब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 3 times मल्टीप्लाई होगा एंड 3 भी 3 times मल्टीप्लाई होगा, 5 5 = 25, 5 = 125 upon 3 3 = 9, 3 = 27, बट ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसको मिक्स न्यूमरल में, मिक्स न्यूमरल को नॉर्मल फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ा। नाउ थर्ड इज 2.5, उसको मैं यहां सॉल्व कर रही हूं, 2.5 हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब, आइदर यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 2.5 × 2.5 × 2.5, बट आई थिंक डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन सबको टफ लगता है एंड आपको भी लगता होगा, ठीक है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, हम इसको दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, 2.5 को डेसिमल हटा के अगर हम रिमूव करें डेसिमल को, तो आई कैन राइट 25/10, फाइन, ऐसा हम लिख सकते हैं, यस। अभी भी ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, 5 से अगर इसे कट डाउन करके सिंप्लीफाई करें तो 5 2 = 10, 5 5 = 25, सो नाउ योर क्वेश्चन इज 5/2 to the power 3, मीन्स अर्लियर इट वॉज 2.5 एंड नाउ इट इज 5/2, इसका क्या मतलब हुआ, 5/2 को आप 3 times सॉल्व करें, ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन इज वेरी टफ, तो हम अवॉइड करेंगे और हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज द थर्ड, नाउ वॉट वॉज द फोर्थ, 0.06 क्यूब, बिकॉज सारे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, क्यूब, यहाँ भी हम वही प्रोसीजर करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, सो इट विल 6/100, वाई 100, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 numbers है डेसिमल के बाद, तो हमने क्या किया 100 में कन्वर्ट किया, अभी भी ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 3 = 6, 2 50 = 100, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, 3/50 whole cube,
अब सॉल्व करना ज्यादा इजी है बिकॉज इट इज सिंप्लीफाइड, 50 × 50 × 50, 3 × 3 = 9, 3 × 27 अपॉन 5 के जब क्यूब्स निकालते हैं तो रिजल्ट होगा दिस। सो दीज आर वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन, दिस कैन कम इन ऑब्जेक्टिव टाइप्स कि फाइंड द क्यूब, और वो कुछ भी मिक्स न्यूमरल, नॉर्मल नंबर, डेसिमल, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कुछ भी दे सकते हैं। इफ दे आर गिविंग ऑड नंबर तो द रिजल्ट इज इन ऑड बिकॉज द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। इफ दे आर गिविंग इवन नंबर तो आपका चेक मेथड ही होगा कि आंसर जो है वो इवन ही आएगा। इफ दे आर गिविंग नेगेटिव इंटीजर द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। एंड फाइनली इफ दे आर गिविंग अ रैशनल नंबर मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में जब वो देंगे तो अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा बनाएंगे, देन उसका क्यूब फाइंड करेंगे, क्योंकि छोटे नंबर का क्यूब फाइंड करना ज़्यादा ईजी है इंस्टेड ऑफ बिगर नंबर और ग्रेटर नंबर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूब।